Yes, Ravi, you're perfectly right. I think Mr. Mehta Kisat meeting was fabulous. So why don't you do something, Kia? Yeah, mail me the documents now first. All right, I'll wait. Thank you. Thanks. Up. Obi, sit. Up. Arjun, come. You okay? You need some doctor? Kuch. पता है जब बेबी ने फर्स्ट टाइम किक किया था ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था पर अब समझ में आ रहा है कि आई क्या कहना चाह रही थी ओवी यू नो वी थैंक यू सो मच तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस बच्चे का ख्याल रख के तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी आई कांट एक्सप्लेन मैं वेट नहीं कर सकता आई कांट वेट कि कब ये छोटी होगी हमारी लाइफ में आएगी यू नो अब छोटी हो भी नहीं मुझे तो छोटा सा अर्जुन चाहिए कुछ भी हो हम जो श्योर किए कि बच्चा हम दोनों की जिंदगी में खुशियां लाएगा है ना राइट यू नो व्हाट आई शुड टॉक टू हिम राइट मास्टर हेलो जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते ना तब तक तुम मम्मा को परेशान करना बंद कर दो क्योंकि जब तुम बाहर आओगे तब हम दोनों मिलकर परेशान करेंगे राइट अर्जुन मुझे कुछ दिखाना था तुम क्या अब वेट मैं लेके आता हूँ क्या दिखाना वो बैग ये एक सेकंड दिस वन हाँ क्या इसमें खोतो वाव अच्छा है ना ब्यूटीफुल आई और बाबा ने दिया गोद भराई का गिफ्ट ऐसा सेम पूर्वी को भी दिया अर्जुन पूर्वी कितनी लकी है ना मतलब भले ही वो अनाथ है पर उसे लाइफ में हर वो चीज मिली है जो एक लड़की को चाहिए होती है ना अर्जुन वो हाई बाबा ने ये गोद भराई का गिफ्ट दिया तो अब गोद भराई में तो मुझे यही पहनना होगा जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया वो मैं पुनी के रिसेप्शन में पहन लूंगी या एज यू विश बस आप एक काम कीजिए आप यहीं रुकिए मैं अभी आती हूँ ठीक है मैम मैं इसकी वैल्यूएशन कर लेती हूँ अब क्या लगता है आपको लगभग कितने का होगा ये मैम अंदाजे से 3.5 लाख फिर भी मैं एक बार वैल्यूएशन कर लेती हूँ उसके बाद ही आपको बताती हूँ जी हेलो अर्जुन सर हाउ आर यू बोलिए अर्जुन सर क्या दिखाऊं वेल जरा कुछ पेंडेंट्स दिखा दीजिए जी अभी दिखाता हूं Excuse me. जी हाय एक्सक्यूज मी ये जो हार है आपके पास ये आपसे अर्चना देशमुख या मानव देशमुख में से किसी ने बनवाया नो सर ये हार तो बेचने के लिए आया है बेचने के लिए आया है कैन आई सीट प्लीज श्योर सर एक्चुअली इट्स रियली स्ट्रेंज क्योंकि बिल्कुल सिमिलर हार मेरी वाइफ के पास भी है कौन बेचने आया ये आपके पास सर वो मैम सॉरी सर इट्स ओके
पूर्वी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हार तो शायद अर्चना आंटी ने तुम्हें और ओवी को गिफ्ट किया था ना, तो इसे बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अर्जुन। कुछ नहीं हुआ है तो तुम इसे बेच क्यों रही हो? क्या प्रॉब्लम है? Is there something wrong? अर्जुन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्वी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम ये हार बेचने क्यों आई हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अर्जुन देखो प्लीज मुझसे सवाल मत करो, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। पूर्वी ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? पूर्वी tell me what's wrong? अर्जुन मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं कर सकती। देखो पूर्वी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ये बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम श्योर कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम इस हार को बेच रही हो। पूर्वी ये कि हार तुम्हें तुम्हारी आईने गोद भरने के लिए। देखो इस वक्त मैं ये नहीं बता सकती कि मैं ये हार क्यों बेच रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पूर्वी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम पैसे मुझसे ले लो। अच्छा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। प्लीज मुझे और कुछ मत कहो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम किसी की फीलिंग्स के साथ खेलो। आईने बहुत ही उम्मीदों के साथ तुम्हें ये हार दिया, इसे बेचो मत ऐसे। ये लीजिए आपके 3.5 लाख रुपए। थैंक यू। अर्जुन देखो इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ ये हार बेचने आई थी। चलिए जी। आई की जिद नहीं होती ना तो मैं तुझे कभी सनी के वहां नहीं भेजती। इस शादी के पहले वहां जाना सब कुछ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई तेजो मुझे पता है कि तेरा वहां जाना जरूरी है। वो अगर वहां नहीं गई तो तेरी और सनी की शादी नहीं हो पाएगी। यही एक रास्ता है, लेकिन तेजो तेरे पास यही एक मौका है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दे। तू यही अपने आप को साबित कर सकती है कि वो एक अच्छी बहू बन सकती है। भाई मैं कोशिश करूंगी। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में कोशिश करनी होगी तुझे। तेजो तुझे अपनी हरकतों पर अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, और सबसे जरूरी बात तेजो तुझे अपने आप को बदलना होगा। हर कोई नहीं सुनता तेजो, और हर चीज एक हद तक अच्छी लगती है। वहां ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे कि किसी का दिल टूटे। देख तेजो मुझे पता है कि तू सच बोलती है, अच्छी आदत है, लेकिन वहां जाकर अगर तुझे कुछ किसी को सच भी बताना है ना तो थोड़ा समझ के बोलना, अच्छे से बोलना, जिससे कि तू अपनी बात भी बोल दे और किसी का दिल भी ना टूटे। देख तेजो कोई भी चीज अगर शांति से की जाए ना तो आसानी से सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो समझ रही है ना जो मैं तुझसे कह रही हूँ? आई एक बात कहूँ, तू तो मेरी ऐसी चिंता कर रही है जैसे मैं ससुराल जा रही हूँ। तो तू कहाँ जा रही है? तू ससुराल ही जा रही है ना? हाँ लेकिन अभी मेरी शादी थोड़ी ना हुई है, शादी से पहले जा रही हूँ। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास तो सनी के घर वालों का दिल बहुत अच्छे से जीत लेगी। तो आई तो रो क्यों रही है? क्योंकि मैं तेरी आई हूं। आई पता नहीं तू मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही। मैं इतनी दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। ये रहा सनी का घर, हमारी चौल में। यहाँ तूने चाय का पानी रखा, यहाँ चाय बनते बनते मैं घर में हाजिर। और हाँ जब भी तुझे मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, मैं झट से आ जाऊंगी। अर्चना, स्नेहलता जी और सनी आ गए। चल चल जल्दी। आई आई। मुके दे बैग, जिग्नेस। हाँ यार। शनी बेटे, अपना ध्यान रखना। तेरे लिए आचार बैग में रख, खाने के साथ तेरे को आदत है ना।
नमस्ते। देखो आप भी जरा इनका ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ख्याल तो मैं रखूंगी इसका, मेरे घर में रहने आया है ना। अब इसे पता चलेगा सविता देशमुख खातिरदारी कैसे करती है। मेरी सब शर्तें मंजूर है जी। अजी मैं तेरी आजी नहीं, मुझे सिर्फ मिसेस सविता देशमुख कहकर बुलाना। बेटा देख, तुझे यहाँ पे कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ बेटा, कॉल करना। आपका माँ बेटे का इमोशनल सीन जल्दी खत्म कर। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फंक्शन में जाना है। अरे हाँ तेजू और सनी, एक बात कान खोल कर सुनना। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के घर में रह रहे हो, तब तक तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन आई ये दोनों, मैं उनकी भलाई के लिए सब कह रही हूं। देख मानो, ये दोनों एक दूसरे के घर में उनकी संस्कृति विचार आचार सब सीखने के लिए रह रहे हैं ना, ये उनकी परीक्षा है। समझा? ठीक है। क्या? सॉरी मिसेस सविता देशमुख। हाँ हम दोनों आपकी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं, और आपके जो भी रूल्स हैं हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लता जी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, मेरे पास तो बहुत टाइम है। वो दरअसल हमारे घर में मेरी भाई है, उसकी बेटी की शादी है, और थोड़े टाइम बाद मेरी दोनों बेटियों की गोद भराई है। तो मैं चाहती थी कि अगर आप तेजू को भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसमें क्या है, अभी फंक्शन है घर का, तो वो तो आना जरूरी है ना उसमें। स्नेहलता ताई, हाँ बोलो ना सविता बहन। अगर आपके घर में कोई फंक्शन होगा, हाँ, तो मैं सनी को भेज दूँ। थैंक यू स्नेहलता जी। अगर तेजू से कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा, वो भी नादान है, और सच कहूँ तो उसे बिल्कुल आदत नहीं है काम वाम करने की। अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखो ये तो बाद में डिसाइड कर सकते हैं ना हम। नहीं मतलब आपकी तेजू घर पे आएगी तब पता चलेगा उसको कितना काम आता है घर का, कितना नहीं आता है, कितनी गलतियां करती है ना, फिर डिसाइड करेंगे माफ करना है कि नहीं, है ना। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। कांग्रेट्स ताई। बधाई हो तेरे को। अच्छा अब एक फोटो फोटो फोटो। पहले आप दोनों का। स्माइल। हो गया। अब सबका साथ। हाँ। हो गया। विनोद जी,
सब ठीक ठाक हुआ जैसे आप चाहते थे ऐसे ही हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे, बल्कि मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपने हमारी बात मानकर इतने छोटे पैमाने पर शादी की। आप भूल गए, मैंने आपसे कहा था ना ये शोर शराबा ये दिखावा मुझे भी पसंद नहीं, बहुत सीधा साधा आदमी, कपड़े भी देखो कितने सादे पहनता हूँ, बस अपने अपने लोग अपने करीबी लोग साथ हो और क्या चाहिए। तो आपका बड़प्पन है, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, ये रजिस्टर्ड मैरिज के लिए तो कम से कम एक महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है, और आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? आप मुझे जानते नहीं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक, बस एक फोन घुमाना था दैट्स इट। अरे एनीवे इस शादी की खुशी में पुन्नी ने एक पार्टी अरेंज की, आप सबको जरूर आना है। हाँ, हाँ, हम सब जरूर आएंगे। I'm really sorry, लेकिन इस वक्त मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। मीटिंग? आज के दिन भी मीटिंग? मम्मी जी, ये आपने दामाद ही ऐसा चुना है, एक बिजनेसमैन, और हमारे बिजनेस में ऐसे ही काम होता है भाई, हमें सही वक्त पर सही डील क्रैक करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, अगर एक सेकंड भी चूक गए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड पुन्नी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, हाँ मिलता हूँ, ओके बाय। हमारे प्लान का पहला दिन तो शुरू हो गया। देख मेरी तेजू को इतना सताना कि वो खुद ब खुद तंग होकर अपनी शादी से इनकार करके हमारे घर भाग आई, लेकिन इतना भी मत सताना कि उसकी जान पर बनाए। ध्यान में रखना वो मेरी पोती है। हाँ तो शनि भी मेरा बेटा है, हाँ उतना ही सताना जरूरी है क्या? करने समझ गई। चल 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 अपने काम पर ध्यान दे, तेरा गुस्सा और नखरों से तंग आकर तो तेजू मेरी भागी आएगी दो दिन में हमारे घर, और मेरे होते हुए तेरा बेटा तो दो दिन भी नहीं रह पाएगा मेरे घर में। हाँ ठीक है आई, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे की रहन सहन संस्कृति परिवार की आदत डाले फिर सोचेंगे शादी के बारे में, है ना अर्चना बिन? हाँ स्नेहलता जी आप बिल्कुल सही कह रहे, जब तक आपको और आई को तसल्ली ना हो जाए कि तेजू और सनी दोनों एग्जाम में पास हो गए तब तक अपना फैसला बिल्कुल मत सुनाइए, और मुझे पता है कि तेजू और सनी इस एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं करें। बराबर है ना तेजू? चल तेजू बेटा चल।